नोकिया का यूजर्स को एक और तोहफा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। दिल्ली में पहली बार 500 इलेक्ट्रिक बसें एक साथ लॉन्च की गई। इन्हें उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई। ये बसें सीसीटीवी, लाइव ट्रैकिंग, पैनिक बटन समेत कई नई तकनीक से लैस हैं। इसी के साथ अब राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई है। नोकिया ने अपने यूजर्स को एक और तोहफा दिया। दरअसल अब नोकिया 110 4G और नोकिया 106 4G में यूट्यूब शॉर्ट्स एप्लीकेशन का भी सपोर्ट मिलेगा। इस मोबाइल की कीमत 2500 रुपए से कम है। हिमाचल प्रदेश के एनआईटी हमीरपुर में बच्चों की साइंस कांग्रेस की शुरुआत हो गई। इसका आयोजन रविवार तक होगा। इसमें 800 से ज्यादा छात्र और टीचर हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में छात्रों ने नए नए मॉडल का प्रदर्शन किया। इस साइंस कांग्रेस के दौरान सर्वश्रेष्ठ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना जाएगा।